दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एसएससी जीडी का रिजल्ट आप सभी को देखने को मिला। जैसे कि आप सभी ने देखा ही, पिछली वीडियो में हमने पूरा कवर किया था, कट ऑफ आपको बताया था। तो जितने भी उस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखने को मिले, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखना ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। कट ऑफ को लेकर, बॉर्डर जनरल डिस्ट्रिक्ट का क्या इशू है, फिजिकल अपडेट कब तक हो सकती है, रनिंग कब तक आ सकती है, और PET PET PST मेल और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए वीडियो में बात करेंगे। हाउ टू चेक नॉर्मलाइजेशन के स्कोर कैसे आप चेक कर सकते हो आप खुद से अपने फ़ोन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले जितने भी अपडेट रहेंगे एसएससी जीडी से जुड़े, वो आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबने देखा ही होगा कि कल मैंने कट ऑफ आपको बताया था। कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं रीज़न बता दूं कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग थी वो इस बार काफ़ी कम थी, तो एक रीज़न ये रह सकता है कि आपका कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिला है। अब जनरल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कट ऑफ जो है मैंने दोस्तों कल आपको बता दिया था। जैसे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे गर्ल्स की बात कर लेता हूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर की गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा क्रेड एरिया है। जैसे जिनके आगे बी लिखा हुआ है वह सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे मैप में जो जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरी बॉर्डर, इसमें विलेज काउंट नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, विलेज काउंट नहीं किया जाता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट काउंट की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करती है यहाँ पे, जो है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट टोटल ओवरऑल बॉर्डर ही काउंट की जाएगी। सांबा डिस्ट्रिक्ट भी लगती है बॉर्डर के साथ, तो पूरी सांबा डिस्ट्रिक्ट ही बॉर्डर है। साथ ही साथ यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी पूरा बॉर्डर है। इसी तरह जो बीच में, जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये आपकी बॉर्डर में नहीं आएगी क्योंकि इसका कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो ये नहीं आएगी। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। आप गूगल मैप में देख सकते हैं कि आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पे जितने भी बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट्स हैं वो फिलहाल अभी जो अपना मेरिट है वो जनरल के बेसिस पे ही लगा के चले। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर तो एक तरह की कह सकते हो कि प्लस पॉइंट हो गया कि अगर बॉर्डर में आप बिलोंग नहीं करोगे तो ओवरऑल एंडिंग में आपका जनरल में ही नंबर आने के चांसेस हैं। तो बॉर्डर का मेरिट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गया है क्योंकि काफ़ी लिटरेसी रेट जो है जम्मू में देखने को मिलता है, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, फिर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। तो इसी के कारण में भी हो सकता है कि यहाँ पे जम्मू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का इस बार ज़्यादा चला गया। और फिलहाल तो अब मैं सिर्फ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना मेरिट जो है जनरल के बेसिस पे देख सकते हैं अभी फिलहाल। लेकिन जनरल वाले जो जनरल डिस्ट्रिक्ट के हैं वो बॉर्डर पे नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे अपना मेरिट नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई बॉर्डर का एससी कैटेगरी का 82 मेरिट गया है, लेकिन जनरल का यहाँ पे देखोगे तो 79 है। तो जो भी बॉर्डर एरिया का बच्चा है वो 79 कट ऑफ अपना लगा कर यहाँ पे चल सकता है। इसी तरह मैंने मेल्स का भी बता दिया और फीमेल्स का भी यहाँ पे सेम ही रहेगा क्राइटेरिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे आप चेक कर सकते हो, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर चेक करने के लिए सिंपली आपको, चाहे आप फेल हुए हो चाहे आप पास हुए हो, आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर सभी के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। गूगल में कोई भी आपके पास क्रोम ब्राउज़र है या कोई भी ब्राउज़र है, गूगल है, उसमें लिखिए ssc.nic.in, इस तरह की वेबसाइट देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वेबसाइट बिजी भी देखने को मिल रही है, तो थोड़ा समय लग सकता है। आई होप कि शाम तक सभी के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर चेक किए जाए। तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपको लॉग इन यूज़र नेम भरना है, यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है। ये आपको जब आपने फॉर्म लगाया था तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होगा। अगर बाई चांस आपके पास नहीं भी है तो सिंपली यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड पे ओके कीजिए। वहाँ पे आपका सिंपली आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और जो आपका ईमेल का ओटीपी मांगेगा, ईमेल कौन सा भरेगा भरा था वो आपका वहाँ पे मांगेगा, तो ओटीपी सीधा आपके फ़ोन में आ जाएगा। ओटीपी पे आपका सभी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होगा और जो है वहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। ये लॉगिन का पेज है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अपना रीसेट करके, जैसे ही आप लॉगिन करते हो ये कैप्चा आपको भरना पड़ेगा। ये नीचे ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये स्मॉल कैपिटल लेटर यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपको सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की वेबसाइट देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे रिजल्ट और मार्क्स वाले सेक्शन पे आपको दोस्तों यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा रिजल्ट और मार्क्स,
दोस्तों रिजल्ट और मार्क्स करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने कोई से भी पहले जो है यहाँ पे पेपर दिए हुए हैं तो सभी का शो होगा। सिंपली आपको कॉन्स्टेबल जीडी जो आपका 2024 का है यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपका स्कोर कार्ड निकल के सामने आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल के बारे में और जो पेंडिंग आपके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो बात करें आपका फिजिकल के लिए कितना टाइम देखने को मिल सकता है। दोस्तों लगभग 30 से 35 दिन का समय तो आपके पास पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये 1 मंथ आपके पास है। अगर आपका फिजिकल की डेट भी अनाउंस करते हैं तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो कि 30 से 35 दिन का समय तो आपको मिल ही जाएगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स अभी प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है। लगभग 1 महीना ही लगा के चलिए, जल्द ही आपका क्या पता आपका विद इन वीक में आपका जो नोटिस है फिजिकल का देखने को मिल जाए। और जो यहाँ पे बात करें लिस्ट का से आपको डाउनलोड करनी है जो विद हेल्ड कैंडिडेट्स हैं, फिर उसके बाद जिनका नाम देखने को मिला है वो लिस्ट ही आपको कहाँ से चेक करनी है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सभी लिस्ट डाल रखी हैं। जैसे लिस्ट 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट फीमेल्स हैं, फिर लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे जिनका जो है फिजिकल में नाम देखने को मिला है, और ऊपर आपको कट ऑफ की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट 3rd और 4th विद हेल्ड कैंडिडेट्स जो अभी वेटिंग में हैं उनका नाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद डी बार्ड जो यहाँ पे आउट हो चुके हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली आपको इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके और कोई से भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।